हम इसके थर्ड पार्ट में हैं और आज हम इसमें रीड करेंगे अर्थ एंड सैटेलाइट्स को। तो अर्थ, वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ, हम जिस ग्रह पर रहते हैं वो अर्थ है यानी पृथ्वी है। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इट इज़ द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यानी अगर सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारा जो सोलर सिस्टम में जो तीसरा ग्रह है वो पृथ्वी है। इट इज़ स्पेरिकल इन शेप, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्गिंग फ्रॉम द इक्वेटर। यानी कि ये आकार में गोलाकार है, पोल्स यानी ध्रुवों पर हल्का फ्लैट है, चपटा है। जैसे अगर हम ऑरेंज को देखें तो वो बीच में गोल होता है, लेकिन जो उसके किनारे होते हैं वहाँ पर वो हल्का फ्लैट होता है। ठीक इसी तरह से इक्वेटर के पास ये हल्का उभरा हुआ है, बगलिंग है। इट इज़ कंसिडर्ड अ यूनिक प्लैनेट एज इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। ये इसको जो है सबसे यूनिक प्लैनेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक ये एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन की संभावनाएं व्याप्त हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स मेक लाइफ इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। यानी ये सभी फैक्टर मिलकर अर्थ पर जीवन को संभव बनाते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं। तो ड्यू टू द एडिक्वेट डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, इट टेम्परेचर इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। यानी पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होने के कारण पृथ्वी का जो तापमान है ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। अबाउट 3/4 ऑफ द सर्फिस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है। देयरफोर, इस कारण इट लुक्स ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस। यानी जब हम इसको अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये हमें नीली नज़र आती है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑफ्टन रेफर्ड एज द ब्लू प्लैनेट। इस कारण इसको हम ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जानते हैं। द थिक ब्लैंकेट ऑफ द एटमोसफेयर प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। यानी हमारे जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट के तौर पर जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी रक्षा करती है सूर्य से आने वाली यूवी रेज से, यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारे पृथ्वी को बचाती है। कौन? जो ओजोन लेयर जिसको हम कहते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ आल्सो हैज़ एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ओजोन विच आर एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कई और भी गैसेस पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन इंसानों और जीवों के लिए बेहद आवश्यक है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ पौधों के लिए बेहद आवश्यक होती है, नाइट्रोजन जो गैस है वो हमारी मिट्टी यानी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बेहद उपयोगी मानी जाती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है नाइट्रोजन गैस। तो ये सभी जो गैसेस हैं वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेहद आवश्यक होती हैं। तो द सॉइल ऑफ अर्थ इज़ ऑल्सो सूटेबल टू ग्रो क्रॉप्स एंड सपोर्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो हमारी अर्थ की जो मिट्टी है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फसलों को तैयार करने में भी सहायक होती है और उनको जो सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड कराती है। यानी जो हमारे अर्थ की मिट्टी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए जो फसल उत्पादन है वो संभव कराती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। द वर्ड सैटेलाइट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स सैटेलाइट्स मीनिंग अ कंपेनियन और एन अटेंडेंट। यानी सैटेलाइट शब्द जो है वो लैटिन वर्ड से आया है सैटेलाइट्स, जिसका अर्थ होता है कंपेनियन यानी साथी, अटेंडेंट का अर्थ भी सहभागी होता है। तो यानी ऐसा यानी जो हमारा ग्रह होता है प्लैनेट है उसका जो साथी है उसको हम सैटेलाइट के तौर पर जानते हैं। देखिए ज़्यादातर जो शब्द हैं इंग्लिश में वो या तो लैटिन भाषा से आते हैं या ग्रीक भाषा से आते हैं, क्योंकि ये प्राचीन जो समय काल था उसमें ये जो दो भाषाएं हैं वो बेहद पुरानी मानी जाती थी। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे जो हिंदी में हैं
उसमें पाली और प्राकृत भाषा का बेहद एक एग्जाम्पल के तौर पर हमें देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह से जो तमाम शब्द हैं वो पाली प्राकृत और फिर बाद में संस्कृत से ड्राइव हुए हैं, यानी संस्कृत से बनकर उनका हिंदी में निर्माण हुआ है। सैटेलाइट्स आर कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट रिजॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। उपग्रह वो कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लाइक प्लैनेट्स, जैसे कि प्लैनेट्स जो हैं दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। यानी कि ठीक प्लैनेट्स के जैसे सैटेलाइट्स भी, उनके पास भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, कोई हीट नहीं होती है, वो भी सन के लाइट के द्वारा रिफ्लेक्ट होते हैं, चमकते हैं। डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग सैटेलाइट्स पाए जाते हैं, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। मर्क्यूरी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट्स। तो जो हमारे इनर प्लैनेट हैं उनमें पहले दो यानी मर्क्यूरी वीनस में कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जिसको हम मून के नाम से जानते हैं, मार्स में दो हैं, फोबोस और डिमोस, ये दो सैटेलाइट हैं। इसके बाद जो आउटर प्लैनेट्स हैं वहाँ पर जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे जुपिटर में 79, सैटर्न में 61। अभी हाल ही में मैंने पढ़ा था शायद कुछ और सैटेलाइट्स खोजे गए हैं सैटर्न में, और इसके अलावा यूरेनस के भी हैं 27, नेपच्यून के भी 14 हैं। तो ये नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की संख्या में दी गई है। अब इसके बाद मून, अर्थ सैटेलाइट यानी जो चंद्रमा है हमारे पृथ्वी का जो सैटेलाइट है, अवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, हमारी पृथ्वी का केवल एकमात्र ग्रह है, वो उपग्रह है, दैट इज़ द मून, वो चंद्रमा है। द डायमीटर ऑफ द मून इज़ 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का जो चंद्रमा का जो डायामीटर है वो हमारी अर्थ के डायामीटर का लगभग 1/4 है। जाहिर सी बात है छोटा है मून पृथ्वी के मुकाबले। इट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज़ 384,400 किलोमीटर, यानी पृथ्वी से सूरज की जो दूरी है वो लगभग 384,400 किलोमीटर के आसपास है। इट इज़ क्लोज़र टू दी अर्थ देन द सन, यानी कि मून जो है वो सूरज से काफ़ी पास में है पृथ्वी के। देयर आर ओनली माउंटेन्स प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन द मून सरफेस, यानी चंद्रमा की सतह पर केवल पर्वत हैं, मैदान पाए जाते हैं और तमाम तरह के जो चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, वो पाई जाती हैं। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, तभी वो दिन के समय नहीं चमकता है, जब रात हो जाती है उस वक्त सूर्य के प्रकाश के कारण वो चमकता है। तो मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, यानी सूर्य के प्रकाश से इसका प्रकाशन होता है। इट टेक्स अबाउट 28 डेज एंड 8 आवर्स टू रिजॉल्व अराउंड द अर्थ एंड द सेम टाइम टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस टू, यानी जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और 365 डेज में अपना एक जो रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट करती है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा भी सूर्य के चारों ओर चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर अपना रिवॉल्व करता है, परिक्रमा लगाता है और लगभग 28 डेज और 8 आवर्स में अपनी परिक्रमा को पूरा करता है, और उसी वक्त वो अपने एक्सिस पर भी घूमता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं, ठीक वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमता है। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम ये होता है, वी गेट टू सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। अब परिक्रमा लगाने के कारण चंद्रमा की हमें केवल एक ही साइड हमें देखने को मिलता है। फेजेज ऑफ द मून, अब आपने देखा होगा कि चंद्रमा जो है वो अलग अलग फेजेज में हमें नज़र आता है, तो इसको हम अगले सेक्शन में, अगली वीडियो में इसको देखेंगे।